हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए आंवले के अचार की रेसिपी लेके आई हूँ। और जो ये बहुत आसान तरीके से झटपट में बन के रेडी हो जाएगा। और अभी के मौसम में क्या होता है ना, अभी थोड़ा सा विंटर सीजन आने वाला है, तो अभी से आंवला बहुत अच्छा मिलने लगता है। तो इस टाइम पर अचार लगा देने पर ये बहुत खाने में अच्छा सा टेस्ट आता है और ये बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस मैंने यहाँ पर 1/2 kg आंवला ले लिया है और इसमें एक दो खराब था तो मैंने उसे साइड कर दिया है। और आंवले को अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसे कुकर में डाल दिया है। और कुकर में डालने के बाद मैं इसमें आंवले के अंदाज़ से, क्योंकि यहाँ पर 1/2 kg आंवला है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इतना वाटर इसमें ऐड किया है। वाटर ऐड करके इसे मैं फुल फ्लेम पर 1 विसिल आने तक इसे पका लूँगी। हमें बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर इसका अचार बनाना है तो हमें इसे फुल फ्लेम पर 1 विसिल आने तक इसे पकाना है। अगर हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इसका अचार सही से नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा अचार आंवला गल चुका है। तो बस इसके बीच से हमें सीड को रिमूव कर देना है। तो बस इसी तरीके से मैं इसके सारे सीड को रिमूव कर दूँगी और ये बहुत अच्छे से गल गया है। अगर आप इसे ज़्यादा, अगर इसे कम स्लो फ्लेम पर अगर आप इसे विसिल लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गल जाता है। इसका हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमें इसे फुल फ्लेम पर 1 विसिल आने तक इसे पका लेना है। उसके बाद मैंने इसे सारा सीड रिमूव कर लिया है और बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से हमारा रेडी है अचार बनने के लिए। तो चलिए अचार बनाते हैं। तो ये बस इससे मैं अब क्या करूँगी कि मैंने एक शीशे के जार, जिसे बोलते हैं, या बर्निंग कर लीजिए अचार डालने के लिए, मैंने उसे अच्छे से धोकर पोंछकर धूप दिखा लिया जिससे इसमें इसका मॉइस्चर निकल जाए। तो बस मैं इस सारे आंवले को उसमें ऐड कर दूँगी। ये 1/2 kg का बर्निंग है तो मैंने इसे पहले से ही क्लीन करके अच्छे से ड्राई कर लिया है और थोड़ा धूप भी दिखा दिया जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए हमारा अचार बनने के लिए। तो मैं इसमें सारे ये जो आंवले को तोड़ के रखा है ना, उसे मैं ऐड कर उसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो इसे छोटे टुकड़े में भी कट कर सकते हैं, मगर मुझे इसे इसी साइज़ का कट करना था तो मैंने इसे तोड़ लिया है इस तरीके से। बस इसमें अब सारे चीज़ों को ऐड करेंगे। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट मैं अपने आंवले के अनुसार ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर 1/2 kg तो मैं इसमें 2 स्पून इसमें ऐड करूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा कि हमारा इसमें सॉल्ट प्रॉपर होना चाहिए। अगर थोड़ा भी अचार में नमक कम हो जाता है ना तो अचार का टेस्ट खिल के नहीं आता है। और सॉल्ट ऐड करने के बाद मैं इसमें ज़्यादा कुछ स्पाइसेस नहीं ऐड करूँगी। मैं इसमें बस हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, थोड़ा हाफ, मैंने एक मेजरमेंट के लिए एक स्पून ले लिया है तो मैं उसी स्पून से 1/2 स्पून धनिया पाउडर सारी चीज़ ऐड करूँगी। तो मैं इसमें यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर मिर्चा पाउडर ऐड करूँगी और धनिया पाउडर, और उसमें मैं 1 स्पून, ये जो स्पून है ना, इस स्पून से 1/2 स्पून मैं इसमें हींग ऐड करूँगी। आप चाहें तो हींग ऐड कीजिए, नहीं तो आप इसे टोटली स्किप भी कर सकती हो, मगर मैं यहाँ पे हींग ऐड कर रही हूँ क्योंकि हींग डालने से ना क्या होता है, एक तो अचार भी अच्छा रहता है और ये थोड़ा गल भी जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आता है अचार में। तो इसका मैं इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। आपके ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आप इसकी भी कर सकती हो क्योंकि उसके बिना भी अचार अच्छे से बन जाता है। बस ये सारी चीज़ को डालने के बाद मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। आप चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस तेल का इस्तेमाल करना चाहे आप उस तेल को डाल सकते हैं। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी। मैं जो स्पून से इसमें हल्दी पाउडर डाली थी ना, मैं उसी स्पून से इसमें 4 to 5 स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि अचार में क्या होता है ना, हम लोग की तरफ तो इसमें मस्टर्ड ही ऑयल डाल के बनाते हैं सारे अचार में, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप लोग जिस तेल को पसंद करना चाहे उस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसी स्पून से 4 स्पून इसमें 4 to 5 इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करूँगी और ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और क्या होता है ना, अचार में तेल का मात्रा बहुत परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये थोड़ा भी कम या ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा ऑयली लगेगा और कम रहेगा तो क्या होता है, हमारा अचार अच्छे से नहीं बन पाता है। और उसको प्रिजर्व रखने के लिए भी तेल का बहुत अच्छा तेल की क्वांटिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो बस हमें इसी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है कि हमारा मसाला जो है ना सारे अचार में अच्छे से कोट कर जाए। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसे अच्छे से अलट पलट करके चारों तरफ से इसे अच्छे से मिक्स करके इसे मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो आंवले में इसी टाइम पर इसमें गाजर भी डाल सकते हैं और मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर सिर्फ आंवले का अचार बना रही हूँ तो मैं बस इसमें आंवला डाल के इस सारे मसाले डाल के ऐड कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो भी अच्छे से बन जाएगा।
और बस यहाँ हमारा मिक्स हो चुका है, तो मैं इसी टाइम पे इसमें इसको धूप में रख दूँगी। और आफ्टर 10 डेज बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा अचार, अभी तो फुल था जब मैंने इसे डाला था और ये अब गल के थोड़ा रिड्यूस हो गया और हमारा अचार बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है खाने के लिए। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।